चिड़चिड़ी आपा मार या चिड़चिटा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं चिड़चिड़ी आपा मार चिड़चिटा के विषय में कह रहा हूँ। यह औषधि अनेक गुणों से भरा पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह चिड़चिड़ी गुणों का भंडार अमृत तुल्य औषधि है। अपने अंदर गुणों का भंडार रखा है। आप आपा मार को हर राज्यों में अलग अलग नामों से संबोधन किया जाता है। जैसे कि उत्तर बिहार में चिड़चिड़ी नाम से लोग जानते हैं। चिड़चिड़ी एक दिव्य औषधि है। चिड़चिड़ी जिस किसी वस्तु में स्पर्श होता है उसे के बीज चिपक जाता है। चिड़चिड़ी के गुण का पूरा व्याख्या करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि चिड़चिड़ी अनेक गुणों से खजाना है, जिसमें से कुछ ही गुणों को बारे में मैं कह रहा हूँ। चिड़चिड़ी के पौधों की पहचान इस प्रकार से किया जाता है। चिड़चिड़ी के पौधे 1 से 3 फीट लंबा जमीन पर चतरा हुआ होता है। नंबर 2, चिड़चिड़ी के पत्तों की बनावट चौड़ा होता है तथा थोड़ा लंबा होता है। चिड़चिड़ी के फूल, पत्ता, बीज, धड़, तना, जड़ सभी गुणों से भरा है। नंबर 4, चिड़चिड़ी 2 प्रकार के होता है, सफ़ेद और लालिमा, परंतु गुणों लगभग सामान्य है। चिड़चिड़ी के फूलों के ऊपरी भाग में थोड़ा सा लाली रंग रहता है। चिड़चिड़ी फूलों के ऊपर भाग थोड़ा सा लाल रंग होता है और नीचे का भाग बीज होता है। आपा मार या चिड़चिड़ी गुण इस प्रकार है। किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े को काटने पर उस स्थान पर चिड़चिड़ी के पत्तों को रगड़ने से या रस लगाने से दर्द कम हो जाता है। बिरनी या चिचोहिया के काटने पर कुछ चिड़चिड़ी के पत्तों को रस काटे स्थान पर लगावें, दर्द कम हो जाता है, फूलता नहीं है। दांत के किसी प्रकार के दर्द या सूजन को कम करता है। नंबर 4, चिड़चिड़ी चिड़चिटा के पत्तों को खाने से कीड़ा को काटने पर दर्द बिल्कुल कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है। नंबर 5, चिड़चिड़ी के दांतवन से हिलता हुआ दांत मजबूत हो जाता है। नंबर 6, चिड़चिड़ी के पेस्ट या पंचांग से मुंह दतवन से धोने पर पैर या मुंह का बदबू ठीक हो जाता है। नंबर 7, चिड़चिड़ी के जड़ को उखाड़ कर प्रसव के समय कमर में बांधने से
अति शीघ्र बच्चा पैदा हो जाता है। चिड़चिड़ी के संदर्भ में संतों का मानता है कि पूरे जड़ उखड़ने पर लड़का तथा टूट जाने पर लड़की पैदा होता है। नंबर 9, चिड़चिड़ी के पंचांग के रस को तेल में उबाल कर जब खूब गर्म हो जाए तो उस छान कर उस तेल को घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर कर छूट जाता है। चिड़चिड़ी के पंचांग बनाकर सुबह शाम 1 ग्राम के मात्रा में खाने से स्मरण शक्ति और मेमोरी पावर बढ़ जाता है। खासकर जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी औषधि है। नंबर 16, नीम और चिड़चिड़ी के पत्तों को बराबर बराबर मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज में लाभ पहुंचता है। 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक प्रतिदिन खाएं। नंबर 17, दमा के रोगी को चिड़चिड़ी के बीज को लाकर उसे दूध में खीर बनाकर खाने से दमा ठीक होता है। महिलाओं के गर्भाशय के बीमारी में चिड़चिड़ी बहुत ही लाभदायक होता है। गठिया के दर्द में पत्तों के पीस कर पोटरी बांधने से सूजन को कम होता है तथा दर्द में राहत मिलता है। चिड़चिड़ी के पंचांग खाने से भूख बढ़ता है। 20 से 25 मिलीलीटर के मात्रा में खाएं। मिर्गी के रोगी में सफ़ेद मरीच चिड़चिड़ी के रस में मिलाकर खाने से इसके बहुत लाभकारी लाभ मिलता है। चिड़चिड़ी या चिड़चिटा से मसूड़ों के सूजन के कारण दांत में दर्द होता है। दतवन करने से दांत के दर्द ठीक हो जाता है। हिलता हुआ दांत बैठ जाता है। विषैले किसी प्रकार के जंतु काटने से हरे पत्तों को रस काटे स्थान पर लगावे और कुछ पत्तों या रस निचोड़ कर खिलाने से दर्द बिल्कुल शांत होता है। यह प्रमाणित है। मैं अगला वीडियो के साथ पुनः मिलूँगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को जरूर दबावें ताकि सबसे पहले आप तक पहुँचे। डॉक्टर संत श्री कृष्ण भगत, परसौनी, जिला सीतामढ़ी, बिहार। आपका सराहनीय है। जय हिंद, जय भारत।